जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज हम बात करेंगे अमृतसर में स्थित श्री राम तीर्थ मंदिर की, जो कि भगवान श्री राम जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम और एक कुटिया थी, इसीलिए इसे वाल्मीकि तीर्थ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी का माता सीता का परित्याग करने के पश्चात वाल्मीकि जी ने सीता जी को इसी स्थान पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी यहीं की थी। इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, तब इसी स्थान पर लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था। इस पावन मंदिर के समीप ही एक सरोवर है, जिसे बहुत पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोद कर बनाया था। इस सरोवर की परिधि 3 किलोमीटर है। सरोवर में स्नान करने के पश्चात भक्त इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ प्राचीन बावड़ी भी है। माना जाता है कि सीता माता यहाँ स्नान किया करती थी। इस बावड़ी में स्नान कर महिलाएं संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। मंदिर के समीप ही प्राचीन श्री रामचंद्र मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर आदि कई मंदिर स्थापित हैं। लोग इस मंदिर में आकर ईंटों के छोटे छोटे घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें अपने स्वयं के घर की प्राप्ति हो। कार्तिक माह पूर्णिमा के दिन श्री राम तीर्थ मंदिर में 4 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं, जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के कारण जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है, जिनमें से एक है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी। आपको बता दें कि इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं, जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुंच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में ही भगवान विष्णु बसते हैं और वे यहाँ समूचे कलयुग में विराजमान रहेंगे। वैष्णव परंपराओं के अनुसार यह मंदिर 108 दिव्य देशमों का एक अंग है। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान रहा है। चूँकि भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए यह धारणा है कि प्रभु श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मंदिर से सटे पुष्करणी पवित्र जलकुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कार्यों, जैसे भगवान की प्रतिमा को साफ करने, मंदिर परिसर को साफ करने आदि के कार्यों में ही किया जाता है। इस कुंड का जल पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित है। श्रद्धालु खासकर इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु इसी कुंड में स्नान किया करते थे। ये भी माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान कर ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिना यहाँ डुबकी लगाए कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। दरअसल तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरि कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरि की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी पुरब लुधियाना के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां विशेष तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पहुंचे। इस मौके ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत मानवता के अधिकारों की रक्षा के लिए था, और जहाँ पूरे पंजाब भर में यह दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में विशेष तौर पर समागम का आयोजन किया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत संसार के अंदर लामिसाल और अदुती शहादत है। संसार का हर सिख श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत को प्रणाम करता, और बार बार कोट कोट श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को प्रणाम है। जिथे सारे सिख जगत वालों ये शहीदी दिहाड़ा अज मनाया जा रहा है, उत्थे गुरद्वारा दुख निवारण साहब लुधियाना विखे ये पावन शहीदी दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाया जा रहा है। सरदार प्रतपाल सिंह जी जो गुरद्वारा साहब के मुख्य सेवादार ने, उन्होंने वालों सारी संगत के सहयोग के नाल 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दी दिल्ली के चांदनी चौक के गुरद्वारा सीसगंज साहब के स्थान के उत्ते शहादत हुई है। उन्हों की शहादत मानवी अधिकारां दी रक्षा लई है, मनुखी अधिकारां दी रक्षा लई है। उन्हां दी शहादत जिहड़ी है वह जबर जुलम के खिलाफ है, उन्हां दी शहादत जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। जदों असीं अजोके दौर दे विच झात मारदे हां तां अज वी असीं देखदे हां कि धर्म परिवर्तन जिहड़ा है कितना कितें खास तौर पर उत्तरी भारत के चल रहा है। समुचियां संगतां दे चरणां विच बेनती करांगा कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने जो शहादत दित्ती लसानी, सानू उन्हां दे पाए हुए पूर्णे ते चलना चाहिए। सारे धर्मां दा सत्कार ते सारे धर्मां नाल लै के जिवें नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब दी चांदनी चौंक विखे शीश दित्ता, उन्हां दे नाल भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी ने भी शहादत दित्ती। अज उन्हां दी याद नूं समर्पित साढ़े समागम हो रहे हन। सारियां संगतां नूं हत्थ बन बेनती है जिन्हां ने नगर कीर्तन विच वी अपना बनदा योगदान पाया, इस समागम दे विच वी योगदान पा रहे हन। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਮ ਮਾਕ ਕੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। 199 वार राशन वितरण समारोह आत्म जैन सोसाइटी SS जैन सभा शिवपुरी में शर्मन ओसवाल परिवार द्वारा आयोजित किया गया, जो लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका लाभ शर्मन ओसवाल परिवार, डॉक्टर मुल्खराज जैन, बौथराज जैन आदि ने लिया। इस मौके कई जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया। सर्वप्रथम मैं सभी बहनों और भाइयों को जय जिनेंद्र कहता हूँ। आज आत्म जैन सोसाइटी का 199वां राशन वितरण समागम है। यह सोसाइटी पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा करती आ रही है। इसमें वे राशन, मेडिकल और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में दिन रात कार्य कर रही है। इसके समस्त पदाधिकारी श्री कमल जैन प्रधान जी, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन बाबू और कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये सभी पदाधिकारी रात दिन सेवा के कार्य में रत हैं। समाज की सेवा करना, समय देना और ज़रूरतमंद के लिए रात दिन एक करना, इस संस्था के इन पदाधिकारियों का कार्य है। तो मैं इनके इस सेवा कार्य के लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की राशन की सेवा का लाभ हमारा ही परिवार श्री बोधराज संजय कुमार जैन मैसर्ज श्रमण ओसवाल हौजरी परिवार की ओर से है।
इन्होंने हमेशा ही समाज की सेवा के लिए रात दिन किया है और जब भी कभी सोसाइटी को आवश्यकता हुई तो इन्होंने कभी ना नहीं की। हमेशा ही ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए ये तत्पर रहते हैं। तो मैं श्रमण ओसवाल हौजरी परिवार के प्रति आत्म जैन सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। राता जी की कृपा से ही हमने एजुकेशन का भी एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसको लेडीज ही चलाती हैं, सिर्फ महिलाएं चला रही हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। और पीछे हमने तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया एजुकेशन के लिए खर्च किया है। तो ये भी सब कृपा इन परिवारों की, हमारे प्राता जी की परिवार की है, संजय जी की है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इधर टीटू जी, अनिल जी, जो इनको मैं एक इशारा ही करता हूँ, मैं अभी मैंने पीछे ही इनको टेलीफोन किया, मैंने कहा ऐसे सर्दी है तो कोटियाँ, कहते आप मेरे को इशारा कर दो बस, तो हमारी तरफ से कितनी चाहिए, मैंने कहा 85 परिवार हैं, 85 कोटियाँ चाहिए, कहते पहुँच जाएंगी आप। तो इन्होंने 85 कोटियाँ, लेडीज़ कोटियाँ दी हैं। तो मैं इनका, अनिल जी का भी, क्योंकि बहू जी इनके जो पिताजी थे, खैर हम उनको ये कह सकते हैं, वो लुधियाना में कोई ऐसी समाज नहीं थी जिनको उन्होंने सहयोग नहीं दिया। बहुत दलेर आदमी थे, दूर से ही मेरे को पकड़ लेते थे, हाँ प्रधान इधर आ मेरे पास, क्या जरूरत है तेरे को। हमने जहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी खोला था उसके लिए भी उन्होंने योगदान दिया, और बीच बीच में जैसे जैसे राशन का होता था प्रोग्राम तो वो अपना योगदान देते रहते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर इनके बेटे अनिल जी चल रहे हैं, ये भी अपना उसी तरह से सहयोग दे रहे हैं। मैं अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ये इस काम के लिए अपना सहयोग दिया है। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। कल रात श्री राम शरणम आश्रम दरेसी लुधियाना के प्रांगण में प्रार्थना सभा की गई। इस प्रार्थना सभा में श्री दविंदर सूद ने अपने प्रवचनों द्वारा आए हुए भक्तजनों को निहाल किया। ये प्रार्थना सभा हर मंगलवार को शाम 7 बजे से लेकर 8:15 बजे तक की जाती है। ये कौन से शब्द होंगे, तो प्रार्थना को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। श्री भक्ति प्रकाश में गुरु महाराज के वचन है अनुताप अश्रु में कि पीड़ा अपनी कह रहा कि ये नयन दो लाल उठा भुजा है देखता तुझे बिलखता पाल। जैसे बच्चा रोवे उसकी माँ उसकी पुकार सुनती है, उस बच्चे के रोने में शब्द नहीं होते, ऐसे ही प्रार्थना में भी शब्द नहीं होते, लेकिन प्रार्थना उस परमेश्वर के धाम तक पहुँच जाया करती है। प्रार्थना का शब्दार्थ क्या है, प्रार्थना क्यों हम करते हैं, मुझे यही कहना है कि आदि काल से धार्मिक जगत में प्रार्थना करने की प्रथा चलती आई है। उस परमेश्वर के आगे याचना करना, ये प्रथा आदि काल से चलती आई है। देव कृपा मांगना और देव के दिव्य गुणों का कीर्तन करना ये सनातनी रीति है। उस परमेश्वर से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है। प्रार्थना का शब्दार्थ भी ये है कि अपने अंदर जो कोई कामना है या जिस लाभ को हम चाहते हैं, जो लाभ हम चाहते हैं, जो मन में भाव है कि ये मेरा पूर्ण होवे, उचित भाव होवे कि उचित कामना है ये पूर्ण होवे, उसके लिए विशेष भावना और निश्चय से याचना करना। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज हल्का उत्तरी से विधायक राकेश पांडे की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश पांडे ने कहा कि आने वाली 16 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी की लुधियाना उत्तरी के फेरे के संबंध में आज की यह मीटिंग रखी गई थी और 16 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है और इस मीटिंग में समागम की तैयारियों के बारे में कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया है। नहीं, इलेक्शन और बे इलेक्शन की गल नहीं हैगी, साड़ी मीटिंग्स तो वैसे भी चलती रही, पर साड़ा प्रोग्राम एक उलीकिया होया पहला ही पिछली मीटिंग भी असं वार्ड वाइज सारे वर्कर साथियों के नाल मीटिंग वगैरह करते हैं, पर अज की स्पैशल मीटिंग सर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब जी दे लुधियाना फेरी उत्ते और खास तौर पर उत्तरी हल्के उन्होंने फेरी हो रही है,
इस करके बुलाई गई सी सारे साथियों नूं इतलाह देने वास्ते कि आने वाली 16 दिसंबर लुधियाने आ रहे ने तो उस दिन असी सारे ने उन्हां दा हुम हुमा के स्वागत करना और जो भी वर्कर साथियों की ख्वाहिशां ने एक होर गल करनी चाहते ने उन्हां नाल खुले तौर पर कर सकते हैं। ये मीटिंग उस सिलसिले विच सी इहदी मीटिंग विधायक राकेश पांडे जी की रहनमई दे विच उन्हां दे कार्यालय हुई है क्योंकि 16 तरीक नूं श्री एम चन्नी जी लुधियाने आ रहे और पहला विजिट जिहड़ा उत्तरी हल्के दे विच ही उन्हां दा हो रहा उस दे बारे सारे हल्के दे कौंसलर और वार्ड प्रधान ब्लॉक प्रधान सारयां दी मीटिंग की और उस दिन जो 16 तरीक नूं आ रहे चन्नी जी उन्होंने आने बारे व्योतबंदी की गई सारी और सलाह मशवरा किया वे किस तरीके इकट्ठ किस तरीके उन्होंने स्वागत करना। सो अज के दिन असी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिता हूँ असी अंबेदकर भवन भी जाके देखांगे जिते चन्नी जी ने आना वा और सारे साथी वर्करां नूं अपील की कि उत्थे आपां वध तों वध साथियों ने इकट्ठे होना वा। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना में गुरदीप सिंह गोशा के नेतृत्व में युवा अकाली दल ने अनोखा प्रदर्शन किया जिसमें नकली मुख्यमंत्री बनकर गोशा द्वारा एक रिक्शा दौड़ का आयोजन कर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त गोशा ने कहा कि आज दुनिया जहां रॉकेट साइंस की बात कर रही है लोग अपने बच्चों से चांद और मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके उलट पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अपने नित नए ड्रामे कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जबकि उन्हें पंजाब की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इस मौके गुरदीप सिंह गोशा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कई सवाल उठाए। इस प्रदर्शन में साउथ हल्के के प्रधान गगनदीप सिंह ग्यासपुरा, हरमनप्रीत सिंह अरनेजा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नवीन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। इस मौके गुरदीप सिंह गोशा ने और क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अज प्रदर्शन चन्नी साहब जिहड़े मुख्यमंत्री पंजाब है उन्हां दे रोज़ नित नवे ड्रामे कदी कहिंदे मैं धारा कढ लैना, कदी कहिंदे मैं मंजे बुण लैना, कदी कहिंदे आ वी मैं टेंट दा काम करदा, कदी कहिंदे मैं रिक्शा चला लैना, आटो चला लैना। मैं पुछना चाहना चन्नी साहब तुसीं मुख्यमंत्री हो, हर पंजाबी नूं सारे काम करने आउंदे आ, इक वड्डी गल नहीं। जिहड़ा जमीन तों पलिया हुंदा ना, चाहे हरियाणे 'च रहिंदा, चाहे पंजाब 'च रहिंदा, चाहे किसी धरती 'च रहिंदा, जिहड़ा जमीन आ जुड़िया उहनूं तकरीबन एक काम करने आउंदे आ। पिंड वाले नूं 100% आउंदे आ, शहर वाले जिहड़े 90 तों पहलां दे जम्मे आ उहनां नूं सारे काम करने आउंदे आ। पर चन्नी साहब मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहुंदा वी चन्नी साहब काम तुहाडे काम इह आ, तुसीं इह दस्सो किन्ने कॉलेज नवें लै के आउंदे 5 साल दे अंदर। चन्नी साहब तुसीं इह दस्सो किन्ने हस्पताल इत्थे लै के आउंदे, किन्ने एजुकेशन सेंटर खोले, किन्ने नौजवानां नूं नौकरी दित्ती, किन्ने व्यापारियों को फायदा दे के व्यापार वधाया, पर उहदे वल ध्यान नहीं है। नौजवान साडा बाहर भज रहा, सिर्फ नित नवे ड्रामे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा। चन्नी साहब कहते कि रिक्शे की रेस मेरे ना कोई ला के देख ले। रिक्शिया ने वो लोग चन्नी साहब ने रिक्शा चलाया जी, रिक्शे असी भी चला सकते हैं, रिक्शे चलाने असी सारा दिन, आटो भी चलाने, रिक्शे भी चलाने, दुनिया बड़ा कुछ कर दिया। मेहनत करने चोरी नहीं हैगी, मेहनत जानू ठगी नहीं हैगी, पर लेकिन लोगों के नाल जोन जिन्हें मेहनत करनी है, आटो भी चलाना, रिक्शा भी चलाना, दिहाड़ी भी करनी, विरोध इस करके किया जा रहा जी। काम नहीं कोई भी हो रहा, काम किसी काम का नहीं किया जी। कैप्टन साहब भी 4.5 साल रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो भी अपना इस्तीफा दे के साइड तो मोड़े चन्नी साहब नूं करता, चन्नी साहब भी उदा दे वादे झूठे करते हैं, कोई गलबात आने वाली सरकार देखो की करती है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज नशा करने वालों ने सिविल अस्पताल के ओट सेंटर से कोई दवा नहीं मिलने पर ओट सेंटर के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के खिलाफ धरना दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का विरोध करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण उन्हें पिछले 3 दिनों से कोई भी नशे की दवाई नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें दवाई नहीं मिली तो वे अस्पताल में हंगामा शुरू कर देंगे। की कारण सी? सर कारण तो एक ही है, वो कहिंदे आ कि सानू गोली दो, तो अहीं कहिंदे सानू गोली ना दो, क्योंकि सानू जिहड़ा सरकार ने 2 वारी अहीं DHS ऑफिस जिहड़ा धरना दिता, उन्हें सानू गोली दे के मिठी गोली दे के घरां नूं घलता कि तुहानूं अहीं नोटिफिकेशन जिहड़ा वा इनक्रीमेंट दा जारी कर देवांगे, बट सानू हुण तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होया। मुड़ के चन्नी साहब बाद विच आ गए, चन्नी साहब नूं अहीं 3-4 वारी जिहड़े साडे यूनियन दे नुमाइंदे आ मिले, उन्होंने फिर सानू आश्वासन नहीं दिता, गोली दित्ती कह सकदे कि मिठी गोली दित्ती, लारेबाजी लाई। उस तों बाद अहीं 2 दिन हो गए सानू चंडीगढ़ बैठे चन्नी साहब की कोठी दे अगे, चंडीगढ़ पुलिस ने साडे ते लाठीचार्ज किया, सानू साडियां गिरफ्तारियां कीतियां, सानू 25 दे विच उन्हां तारता रैली ग्राउंड 'च, अहीं फिर चलो चन्नी साहब की कोठी दे अगे जाके घराओ कीता, फिर साडे नाल हेल्थ मिनिस्टर OP सोनी जी ने मीटिंग की, फिर उन्होंने उही कोई सानू लारेबाजी लाई, यानी कि
ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਪੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋੜ ਹੈ ਗੋਲੀ ਸਰ, ਦੰਦਰਾਂ ਪੈ ਪੈ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਆ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਸਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਚਾਰ ਜਣੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਸਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਦਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵੇ ਦੋ ਮੈਡਮ ਬੱਬਰ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵਾ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।